ने भड़का था मैं पहले वाले पर जिन्होंने गलत खबर दिखाई थी। आप एक समाज को आईना है ना पत्रकार, आप समाज के आईना है, आप जो दिखाइएगा दुनिया वही दिखेगी और उस तरफ मूव करेगी। हो ही नहीं सकता है। आप देख लीजिए हमारे फैन फॉलोअर में कहीं कोई कमी आई हो, सबके वीडियो में नीचे कमेंट पढ़ के जाके देख लीजिए कि कैसे लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर और मैं विभू कुमार झा। बिहार में 8,500 पंचायत हैं, उन पंचायतों में सुमार और चर्चित पंचायत सलहा पंचायत, उनके मुखिया हैं बिपिन सर, जो कि बिपिन सर एक अभी जो लाखों बच्चे हैं उन बच्चों को क्लास भी देते हैं, मैथ मस्ती के नाम से मस्ती में पढ़ाते हैं, सर का फैन फॉलोइंग भी है बहुत ज़बरदस्त, 45 लाख बच्चे सर को फॉलो करते हैं और मज़े से पढ़ाई करते हैं। ऐसे में बिपिन सर मुखिया भी हैं और ऐसे पंचायत का जो विकास की बात है उसमें सवाल तो खड़ा होता है। ऐसे में हम बात करेंगे बिपिन सर से ही। सर, पहला सवाल बबली पगली रिपोर्टर की बात करते हैं, आपने नाम लिया, उन पर आप नोटिस भेजेंगे क्यों? क्या उन्होंने जो हम पर इल्ज़ाम लगाया था वो इल्ज़ाम बिल्कुल सरासर गलत है। आप एक पत्रकार हैं, जज नहीं है ना, जज नहीं, आप जजमेंट करने का अधिकार थोड़े है आपका जी। आपको सच्चाई दिखाने का अधिकार है, लेकिन किसी को आप कुछ कह दिए डायरेक्ट कि ये घोटालेबाज है, उसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए जी। सर, एविडेंस की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए, और बात करते हैं कि आखिर डेटा की, आंकड़ा की, जो ऐप पे भी सारा इन्फॉर्मेशन है उसमें जो इस पंचायत में जो पैसे आए हैं जब से आप 8 महीना मुखिया बने हैं, ऐसे में कितने फंड आए, कितने कामकाज की बात करें वो थोड़ा सा बता दीजिए। अभी नए फंड से कोई काम नहीं हुआ है, जो भी था पुराने फंड से कुछ काम हुए हमारे यहाँ, जैसे छठ घाट बनना, नाला बनना, उसके बाद ये पुस्तकालय का बनना, और यही सब काम हुआ है। सामुदायिक भवन का भी सर काम चल रहा है, मैंने देखा जी 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 जी, उसका अभी अभी प्रोसेस में वो चल ही रहा है जी, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है जी जी। जब यहाँ के लोगों से बात किए तो लोग कहते हैं कि बिपिन सर तो हर जगह काम कर ही रहे हैं, जहाँ तक बात मिलने जुलने की है वो कम है, ऐसा है क्या सर? हाँ, ऐसा है, क्योंकि हम उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं कि पहले के जो राजनीति खाली मिलना जुलना है, काम नहीं करना है, है ना, और लोगों को ये देते रहना है कि भाई गांव में सर है क्या, अक्सर कंसेप्ट क्या है सर? ये होता ही है, लोगों को लगता है कि हमसे मिल रहा है तो मतलब हमको जान रहा है तभी हमारे काम करेगा, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ, पंचायत के हर पहलू पर काम होगा, आदमी हमको कहेगा तो भी, न कहेगा तो भी, क्योंकि मेरा दायित्व तो है काम करना, काम करने के लिए ही हम बने हैं। सर, व्यक्तिगत जो मतलब विकास की बात करें और सार्वजनिक विकास की बात करें, दोनों है, लेकिन सार्वजनिक विकास लगातार आपका जारी रहे, जो भी रिपोर्ट हम और भी जगह देखे हैं, ऐसे में कई लोग कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत विकास हो जाए, मेरा सब कुछ हो जाए, ऐसे में क्या कर रहे हैं? देखिए, वो चीज़ें जब आएगी उसकी अभी आई नहीं, जैसे अभी शौचालय बनना है तो लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान के तहत हमारे यहाँ शौचालय बनेगा, आज मुझे चिट्ठी भी आई है, तो जब इसका काम शुरू होगा तो निश्चित है कि शौचालय सबको बनेगा घर घरे, तो उनको भी ये लाभ मिला, पर्सनली लाभ। अब आवास योजना का जब आएगा अपने पास, तो आवास योजना में आवास भी मिलेगा जिनके पास घर नहीं है, तो जो चीज़ें अभी नहीं आई है वो मैं पहले कैसे दे सकता हूँ, और जो चीज़ें आई हैं जो मुझे सार्वजनिक काम करने के लिए वो मैं कर रहा हूँ। सर, बात करें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप, और ऐसे में ये लोग कई जो यहाँ पे पत्रकार की बात करें, यूट्यूबर की बात करें, वो लोग आए कहते हैं कि दो रिपोर्टर आया बिपिन सर भड़क गए, ऐसा है क्या? नहीं, आप तो बहुत आए हैं, आज तो खुद मैंने भी बुलाया है, आज तो 300 रिपोर्टर आए हैं, आप देख ली। अब आप जो दिखाने जाइएगा वो काम जानता है लोग कि मैंने क्या दिखाया, चूंकि मैं पहले ही जो काम करता हूँ वो अपलोड करता हूँ, तो हमारे बारे में आप बड़गला नहीं सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी और के बारे में जिनको हमारे जैसा सुविधा नहीं है, तो वैसी चीज़ किसी के बारे में अगर गलत चीज़ें देते हैं तो लोग उनके उनके बारे में गलत सोचेंगे, और ये एक प्रकार का क्राइम है कि नहीं है जी। तो यही सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया एक समाज का आईना है। तो सर, बात आती है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, एक महिला रिपोर्टर आई कुछ दिन पहले और जो बातें थी बोल के चली गई, ये आप क्या प्रोपेगेंडा है या जो भी है वो तो हम नहीं, उस पर हम टिप्पणी करेंगे, बट बात आती है कि आपकी छवि को धूमिल जो की गई, क्या आपकी छवि धूमिल होगी? हो ही नहीं सकता है। आप देख लीजिए हमारे फैन फॉलोअर में कहीं कोई कमी आई हो, सबके वीडियो में नीचे कमेंट पढ़ के जाके देख लीजिए कि कैसे लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पता है जो उसने आवाज़ उठाने गए वो सारी चीज़ें हम पहले एक साल पहले भी बताए हुए हैं ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के बारे में, कि लोग वहाँ पर सारे डाटा जानकारी देख सकते हैं, एक साल पहले जब मैं मुखिया नहीं था तो भी, मुखिया था तो भी बताया जी। सर, एक सवाल है कि बिपिन सर मुखिया हैं और क्लासेस भी देते हैं ऑनलाइन, 45 लाख बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही स्टूडेंट्स आपको चाहने वाले हैं, ऐसे में
मुखिया के रूप में आप बात आती है कि सलाह पंचायत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी समझिए कि बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा नाम है कि आप जैसा मुखिया मिला है, तो ऐसे में इस 5 साल में अपने काम को क्या अंजाम देंगे? प्रयास तो हमारा रहेगा और कि रफ्तार से ही काम होगी। सरकार की कुछ योजनाएं होती है चाहे काम होता है, आप जानते हैं कितना स्लो होता है, या ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होता है तो 2019 में फॉर्म भराता है, 22 में परीक्षा हो रहा है। तो हमें तो सरकार के जो नीति है, जो नियम है, उसके दायरे में रह के ही काम करना होगा, क्योंकि ये काम कहाँ से होती है, सरकार की योजनाएं हैं वहाँ से काम होती है। लेकिन फिर भी हमारा तो प्रयास हमेशा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंचायत में काम हो और तेजी से काम। सर, करप्शन की बात करें, ऊपर लेवल के अधिकारी, BDO, CEO, आप अभी मुखिया में हैं, देखते होंगे, तो ऐसे सिचुएशन को आप कब कैसे आप डिनाई कीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी लाइएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाए? नहीं, अभी तक जितना भी मैंने अभी काम किया है हमारे यहाँ, और मुझे लगता है कि जो भी काम हुआ है ना हमसे कोई किसी ने मांगा, और करप्शन की बात हमारे जो चल रहा है अभी सिस्टम, जो भी योजनाएं चली है, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है कि हमसे कोई मांग ले, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे, डरते हैं, इस बात से भी डरते होंगे, मैं ये भी नहीं जानता कि वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे से स्पेशली वो समझते हैं कि भाई इतने बड़े यूट्यूब चैनल है, वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि, हो सकता है अभी मैंने एक आवाज़ सहायक ने गड़बड़ी कर रखा था, जो किसी का पैसा किसी को ट्रांसफर कर दिया था, वो मेरे मुखिया बनने से पहले, अभी तो हमारे सामने नया कोई योजना आया नहीं। हाँ, तो लगभग 7-8 आदमी ऐसे थे जिनके आवास का पैसा पहले से ही साल भर पहले से गायब हो चुका था, आपके आवास के ID से किसी और के अकाउंट में पैसा भेज दिया गया। मैंने इसकी गहन अध्ययन की, जांच करवाया, पता चला, SDO साहब को कंप्लेन लिखा और उस पर अब कार्रवाई होगी और हमारे पंचायत से उसको निष्कासित कर दिया गया। बिल्कुल सर, मैडम जो आई थी, जो आपका छवि को जैसा भी की, क्या उस पर नोटिस भेजा जाएगा, आप करेंगे, भेजेंगे? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, तो अगर किसी ने अगर कह दिया, जैसे एक है जितेंद्र जी, वो कहे कि भाई हमसे गलती हो गया, वो माफ़ी मांग रहे हैं, भाई माफ़ी मांग लिया तो सब क्षमा है। मैडम भी माफ़ी मांग रही हैं, मांग लेगी तो क्षमा है। बिल्कुल, अब देखिए बात आती है कि मैडम माफ़ी मांग लेगी तो क्षमा है, जो कि देखिए जब 45 लाख बच्चे विपिन सर के द्वारा मतलब कि स्टडी करता हो, और ऑनलाइन जो कि बड़ा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क है, और ऐसे में पूरा इंडिया के बच्चे भी विपिन सर को जानने लगे हैं, ऐसे में बात आती है कि विपिन सर का चेहरा ये काफ़ी है, यदि आप छवि को यदि बिना डेटा और आंकड़ा के हिसाब से यदि कहते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। आपको पहले एक बार जानना चाहिए कि कोई चेहरा है, विपिन सर एक चेहरा के नाम से जानते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसे में विपिन सर का भी एक छवि है, उसको आप यूं ही धूमिल ना करें, पहले जानिए, समझिए, परखिए, और उसके बाद पंचायत का विश्लेषण कीजिए, और पंचायत में जो भी काम हुआ है उसके बारे में अपग्रेड कीजिए, तब जाके सटीक रहेगा, और जो भी रिपोर्टर हो या पत्रकार हैं, यूट्यूबर है, जो भी एनीवे, उनके लिए भी आने वाले टाइम में भविष्य के लिए वो अच्छा होगा। और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़। धन्यवाद।